सब्सक्राइब कीजिए अजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कर लीजिए ऑल पे क्लिक। आप ज्वाइन भी कर सकते हैं अजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल को। 59 रुपीज़ मंथली देने पड़ेंगे, फिर मिल जाएगी आपको हर क्लासेस की PDF फाइल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अज्जू एजुकेशन पर। तो आज है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो के पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया। हमारे सामने ऑप्शन है 13 दिसंबर, 12 दिसंबर, 14 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 दिसंबर। तो जो विद्युत मंत्रालय के अधीन सतह ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन किया जाता है। इस बार जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि ऊर्जा दक्षता व संरक्षण के महत्व के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने इस वर्ष क्या किया है कि 9 से 14 दिसंबर तक 2019 में क्या किया है कि एक राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह भी मनाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद ध्यान देते हैं अगले और दूसरे प्रश्न पर। तो अगला और दूसरा प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में किसने भारत में ऑडिबल सुनो ऐप लॉन्च किया है। हमारे सामने ऑप्शन है गूगल, अमेजन, फेसबुक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमेजन। तो जो अमेजन कंपनी है, कौन सी शॉपिंग, जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन, उसने एक ऑडियो बुक कंपनी ऑडिबल ने भारत में एक नया ऐप ऑडिबल सुनो ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में क्या होगा कि ओरिजिनल ऑडियो सीरीज फीचर है जिसका काम भारत के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी डिजिटल मनोरंजन और स्ट्रीमिंग स्पेस में ऑडिबल पहुँच का विस्तार करना है। अब बात आती है ऑडिबल की। तो ऑडिबल के CEO व फाउंडर कौन है? उनका नाम है डॉन कॉटज। ठीक है, इसके बाद ध्यान देते हैं अगले और तीसरे प्रश्न पर। तो अगला और तीसरा प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों की राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई है। हमारे सामने ऑप्शन है भोपाल, मुंबई, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नई दिल्ली। तो नई दिल्ली के अंदर पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों का 37वां राष्ट्रीय संगोष्ठी यानी जो BPRD है उसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन मुख्यालय नई दिल्ली में किया गया। ये 12 से 13 दिसंबर 2 दिवसीय आयोजन था और इसमें 200 से प्रमुखों ने अधिक भाग लिया। ठीक है, और इसकी जो थीम है वो क्या रखी गई थी? वो रखी गई थी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसके बाद ध्यान देते हैं अगले और चौथे प्रश्न पर। तो अगला और चौथा प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में किसे नया सूचना और प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया है। हमारे सामने ऑप्शन है श्री सुशील कुमार, अमित खरे, रवि मित्तल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रवि मित्तल। तो रवि मित्तल को नए सूचना और प्रसारण सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे? अमित खरे, जिनका स्थान अब रवि मित्तल ने ले लिया है। ठीक है, इसके बाद ध्यान देते हैं अगले और पांचवें प्रश्न पर। तो इसके बाद अगला और पांचवा प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में मूडीज ने भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। हमारे सामने ऑप्शन है 5.6, 5.1, 6.4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5.6। तो जो भारत की GDP वृद्धि दर है वो कितनी बताई है मूडीज ने? 5.6। तो जो मूडीज है वो एक विशेष प्रकार की कंपनी है जो हर प्रकार की रिपोर्ट जारी करती है। तो 2019 के लिए उसने जो भारत की GDP है वो घटाकर 5.6% रहने का अनुमान लगाया है, और जो 2018 में उसने आर्थिक वृद्धि दर का प्रतिशत बताया था वो बताया था 7.4, जो कि बिल्कुल राइट था। और अब बात आती है GDP की। तो GDP की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। और अगर सामान्य परिभाषा में देखें GDP की, तो GDP क्या होती है कि किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे ज़रूरी पैमाना होता है GDP, और GDP किसी खास समय अवधि में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन की कीमत से संबंधित होती है। ठीक है, इसके बाद ध्यान देते हैं अगले और छठे प्रश्न पर। तो अगला और छठा प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि ऋण माफ़ी के दूसरे चरण की घोषणा की है। हमारे सामने ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश में प्रथम चरण के इस योजना के तहत रतलाम जिले के 40,000 से ज़्यादा किसानों को 134 करोड़ रुपए से अधिक राशि के कर्ज माफ किए जा रहे हैं और अब हाल ही में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दूसरे चरण की भी घोषणा कर दी है। ठीक है, इसके बाद ध्यान देते हैं अगले और सातवें प्रश्न पर। तो अगला और सातवां प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री रेटेनो एलपी मार्शडी दो दिवसीय भारत की यात्रा पर आई है। हमारे सामने ऑप्शन है सिंगापुर, इंडोनेशिया, मॉरिशस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंडोनेशिया। तो जो इंडोनेशिया के विदेश मंत्री है रेटेनो एलपी मार्शडी जो दो दिवसीय भारत की यात्रा पर आई है तो वो दिल्ली के 11वें डायलॉग में भी भाग लेने पहुंची है। ठीक है, इसके बाद ध्यान देते हैं अगले और आठवें प्रश्न पर। तो अगला और आठवां प्रश्न हमारे सामने कि हाल ही में भारत में लालीगा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। हमारे सामने ऑप्शन है ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रोहित शर्मा। तो जो भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा उनको लालीगा ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में अपना जो भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त किया है। तो लालीगा एक स्पेनिश फुटबॉल लीग है। इसके बाद ध्यान देते हैं अगले और नौवें प्रश्न पर। तो अगला और नौवां प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में 36वें अंतर्राष्ट्रीय जियोलॉजिकल कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा। हमारे सामने ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अपना देश जो भारत है वो करेगा 36वें अंतर्राष्ट्रीय जियोलॉजिकल कांग्रेस की मेजबानी। भारत 2020 में होने वाले पृथ्वी विज्ञान की प्रगति के लिए वैश्विक मंच 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का जो क्या है मेजबानी करेगा। ठीक है, और जो IGC के अध्यक्ष है उनके रूप में किसे नियुक्त किया गया? उनके रूप में नियुक्त किया गया विजय प्रसाद डीमरी को नियुक्त किया गया। अब बात आती है IGC की। तो IGC की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय जियोलॉजिकल कांग्रेस है इसकी शॉर्ट नेम क्या है इसका? IGC। ठीक है, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1878 में। ठीक है, और जो 1964 में एशिया का पहला IGC बन गया था यानी एशिया का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय जियोलॉजिकल कांग्रेस ये कब बना था? एशिया का पहला ये बना था 1964 में यानी 1964 में। ठीक है, इसके बाद ध्यान देते हैं अगले और दसवें प्रश्न पर। तो अगला और दसवां प्रश्न है हमारे सामने कि 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है यानी आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। हमारे सामने ऑप्शन है वायुसेना दिवस, BSF स्थापना दिवस, विजय दिवस या पृथ्वी दिवस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विजय दिवस। तो 16 दिसंबर को हर वर्ष विजय दिवस मनाया जाता है। अब कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 26 जुलाई को यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और जो 16 दिसंबर है उसको कौन सा मनाया जाता है? उसको विजय दिवस मनाया जाता है। जबकि भारत और पाक की जो लड़ाई हुई थी यानी भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी उसमें भारत की जीत के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सभी को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने जितने भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं उसी प्रकार से आप सभी को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए इस वीडियो को। तो आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।